हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास थर्ड ईवीएस से चैप्टर नंबर 6, फूड्स वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। वाओ, यहाँ तो सब बच्चे बैठे हैं और आपस में गॉसिप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए सुन लेते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि ये जहाँ भी ये इस तरह से होता है तो वो वही लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो ये बॉय कह रहे हैं कि लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी। अब जैगरी किसको कहते हैं? गुड़ को कहते हैं। ये बच्चा बता रहा है कि रात को, लास्ट नाइट को मैंने चपाती खाई थी, वो किससे बनी हुई थी? बाजरा की बनी हुई थी, और उसके साथ मैंने गुड़ खाया था, जैगरी खाई थी। तो गर्ल कह रही है आई कुक्ड दाल एंड राइस, और मैंने क्या बनाया था? दाल और चावल बनाए थे। तो एक गर्ल कह रही है, रेड फ्रॉक वाली, ये कह रही है कि यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, कल रात को तो मेरे घर में कोई खाना नहीं बना। क्यों खाना नहीं बना होगा? हो सकता है उसकी मदर बीमार हो, है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पुअर हों और उनके घर में खाने को ही कुछ ना हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये बॉय बैठे हैं सरदार जी, ये क्या कह रहे हैं? आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रांड मदर फॉर द लंगर, वी एट दाल एंड चपाती। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ग्रांड मदर, कहते हैं दादी जी को, दादी जी के साथ गुरुद्वारे में गया था और वहाँ लंगर खाया था, और लंगर में क्या खाया था? दाल और चपाती। तो ये वाली गर्ल कह रही हैं, ये कह रही हैं अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। तो ये कह रही है मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने ऑमलेट खाया था। तो अब ये पिंक फ्रॉक वाली गर्ल कह रही है माई मदर कुक्ड फिश, मेरी मदर ने तो फिश बनाई थी, आई एट लॉट्स ऑफ इट, और मैंने बहुत सी खाई थी, इट वॉज रियली टेस्टी, ये बहुत ही टेस्टी थी। नेक्स्ट बॉय कह रहे हैं, लास्ट बॉय, ये कह रहे हैं माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एन्जॉयड ईटिंग इट। तो ये बता रहे हैं ग्रीन शर्ट वाले, ये कह रहे हैं कि मेरी जो मदर हैं वो हमारे लिए नूडल्स लेकर आई थी, उस घर से लेकर आई थी जहाँ वो काम करती हैं, और हमने बहुत मज़ा किया खाने में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शॉन ब्लो। तो यहाँ पर तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि आपने कल रात को क्या खाया था, और ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे आपने कल रात को क्या खाया था। और हाँ, एक बात मेरी तरफ से, रात को खाना खाने के बाद पेस्ट ज़रूर करा करें, नहीं तो दांत ख़राब हो जाएंगे। और दादी माँ क्या बोलती हैं? दादी माँ कहेंगी फिर इसके दांत तो चूहा ले गया है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव ईटन रिटन ऑन योर प्लेट। तो इस प्लेट में उन्हीं, ब्लैक बोर्ड तो अब यहाँ है नहीं, तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे उन आइटम्स के नाम जो आपने प्लेट में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, व्हाई? क्या आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने कल जो खाना खाया था सेम खाया था, और क्यों? तो अभी तो लॉकडाउन है, आप लोग स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी आप स्कूल जाते हैं तो क्या आपकी क्लास के सारे बच्चे सेम खाना लाते हैं एक दिन? तो वैसे ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि अलग अलग घर से बच्चे आते हैं और अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, धर्म को भी मानते हैं, तो और अलग अलग भाषा को मानने वाले लोग होते हैं, तो वो लोग फूड आइटम्स का जो वैरायटी होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ लोग दाल चावल खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रोटी चपाती, कुछ लोग आलू पराठा, है ना, तो कुछ लोग मछली या ऑमलेट भी खाना पसंद करते हैं। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर पेज 26। तो मैं आपको पेज नंबर 26 पर लेकर चलती हूँ, इसमें तो है ही नहीं पेज नंबर 26। तो पेज नंबर 26 जो आपका नेक्स्ट चैप्टर में होगा, जो पहले चैप्टर निकल चुका है, देयर इज वन चाइल्ड इन दोज हाउस नो फूड कुक्ड। ये पेज नंबर रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पर 38 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 38 पेज नंबर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि उनके घर में खाना नहीं बना, तो इसका क्या कारण है? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हो सकता है वो बहुत गरीब हों, और ये भी हो सकता है कि
कि उनकी मदर बीमार हो और उनके घर में कोई खाना बनाने वाला और ना हो, तो इसलिए उन्होंने खाना ना खाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एवर हैपन टू यू दैट ऑन द सेम डे यू वर वेरी हंग्री बट देर वॉज नथिंग टू ईट, इफ यस वाई? तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और उस दिन आपको खाने को कुछ ना मिले? अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ये तो खैर आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कब पता लगता है कि आप बहुत भूखे हो? नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम भूखे हो? और जब हमारा पेट हो जाता है ना खाली, तो हमें पता लगता है कि हमें भूख लगी है। और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, इसको वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है? तो अभी वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वैसे भी आपसे बात करने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम भूखे होते हो, कैसा लगता है? तो आप क्या बोलते हो, पेट में चूहे कूद रहे हैं? कुछ बच्चों के तो पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, वो पेट को प्रेस करके पकड़ करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तो भूख लगी है मम्मी, मम्मी भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना दो। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विपुल्स फैमिली, यहाँ पे बात की गई है विपुल की फैमिली की। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेम्बर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट। विपुल की फैमिली में कुछ मेम्बर्स ऐसे हैं, वो लोग वो नहीं खाते जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स? तो आप क्या सोचते हो कि ये लोग वो नहीं खाते, या वो खाना वो नहीं खाते हैं, वो खा ही नहीं सकते हैं जो विपुल खाता है? ऐसा कभी होता है कि वो खाते ही नहीं हो? नहीं हो सकता ना। और ये हो सकता है कि जो विपुल खाता हो वो उनको पसंद ना हो, ऐसा हो सकता है। आपकी फैमिली में भी ऐसा होता होगा ना कि आपकी पसंद की चीज़ों को दूसरे नहीं खाते होंगे, और कई बार बड़ों की चीज़ों को आप नहीं खाते होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलिए लेट्स रीड। तो अब विपुल की फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट ए भुट्टा। भुट्टा क्या होता है? कॉर्न कॉब। भुट्टा देखा आपने, बहुत लोग खाते हैं भुट्टा। तो जब घर से लौट रहे थे, स्कूल से घर को लौट रहा था विपुल, तो उसने एक भुट्टा ले लिया। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज छुटकी। तो उस लोग घर पहुंचा और उसने अपनी मम्मी से पूछा, छुटकी कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसको देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी मदर ने जवाब दिया, छुटकी इज़ इन द रूम अप स्टेयर्स, वो ऊपर की सीढ़ियों में है रूम में। तो विपुल ने क्या किया, कॉट हिज ग्रांड मदर्स हैंड एंड सैड, यू ऑल्सो कम अप स्टेयर्स विद मी, तुम भी ऊपर की सीढ़ियों पर मेरे साथ आओ। ये विपुल ने अपनी दादी माँ से कहा, उनका हाथ पकड़ के। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी मदर ने उसको रोका, आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। तो उन्होंने कहा, अभी उन्होंने उनकी जो चपाती है वो दाल में सोक करी है, दाल में भिगो दी है, तो पहले उनको खाना खाने दो। अब दाल में अगर चपाती भी हुई है, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनके मुंह में दांत ही नहीं होंगे, तभी तो वो खा नहीं पा रही होंगी। अब वो भुट्टा लेकर आया है तो कैसे खाएंगी दादी माँ भी, है ना? तो हैव यू पुट शुगर इन दाल, क्या तुमने दाल में शुगर डाली है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगेटन आवर ऑन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। तो उसने कहा, नागपुर से आते हुए तुम भूल गई हम कैसे खाना खाते हैं। ये दादी माँ ने विपुल की मम्मा से कहा कि उन्होंने कहा कि तुमने दाल में चीनी डाल दी है, हैव यू टेस्टेड द दाल, क्या तुमने दाल का टेस्ट किया है? इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की मदर ने कहा, ये तो मैंने बड़े अच्छे से पकाई थी। तो विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रेन अप स्टेयर्स, ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। तो विपुल ने क्या किया, जल्दी से अपनी दादी माँ की प्लेट को उठा लिया और ऊपर सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा, और उसने कहा, मेरे पीछे पीछे जल्दी से आ जाओ। व्हेन आई वॉज योर एज आई कुड रन अप ए हिल इन द सेम टाइम, सेड दादी। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, तो पहाड़ पर चढ़ जाती थी, पहाड़ी पर। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी। तो विपुल ने जो भुट्टा था वो खाने को अपनी मम्मी को दे दिया, और अपने हाथ धोए और छोटी सी छुटकी को उठा लिया।
सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, अचानक से छुटकी जो रोने लगी। शी इज हंग्री, सैड मम्मी, मम्मी ने कहा कि जो छुटकी है वो भूखी है। शी सेट डाउन टू फीड छुटकी, और वो उसको दूध पिलाने के लिए नीचे बैठ गई, खाना खिलाने के लिए नीचे बैठ गई। क्वेश्चन इज हेयर, व्हाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, दादी माँ जल्दी से सीढ़ियों पर क्यों नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई थी। इसके सारे आंसर मैं आपको बाद में देने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को अपनी दाल कैसे चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजली एंड वाई, इस फैमिली में कितने लोग भुट्टा को ईजली खा सकते हैं और क्यों। भुट्टा ईजली कौन कौन खा सकता है, तो दादी माँ तो खा नहीं सकती, यहाँ पे मम्मी खा सकती हैं, अगर उनके फादर घर पे होंगे तो वो खा सकते हैं, लेकिन दादी माँ के मुँह में शायद दांत नहीं है इसलिए वो भुट्टा नहीं खा पाएंगी। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई, क्या सभी ओल्ड पीपल भुट्टा खा सकते हैं क्यों। फोर मंथ्स छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड वाई, जो चार मंथ की छुटकी है वो केवल अपनी मम्मा का ही दूध पीती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वही सिर्फ उनका फूड है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल, व्हाट चाइल्ड क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही यंग लोग क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, ओल्ड पीपल क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, इसकी टेबल भी हम बाद में भरेंगे। तो आगे देख लेते हैं, सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट, तो ये थिंग्स हैं जो हम खा सकते हैं जो नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट, क्या हम सारी चीज़ों को खाते हैं जो हम खा सकते हैं। नॉट ऑलवेज, हमेशा तो नहीं। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं जो हम खाते हैं। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईटन ऑफन, उन चीज़ों पर आपको सर्कल करना है जो आप अक्सर खाते हैं, कभी कभी की बात नहीं हो रही है, जो आप डेली बेसिस पर खाते हैं यानी रोज़ ही खाते होंगे, तो उस पर आपको सर्कल कर देना है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आप रोज़ क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। नेक्स्ट है इसमें, मोस्ट ऑफ अवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स डिपेंडिंग ऑन वट ग्रोज ईजली एट विच प्लेस, तो जो चीज़ें जहाँ पर भी जो खाई जाती हैं ना वो इस पे डिपेंड करता है कि उस जगह पर क्या होता है। अब जैसे हम पंजाब की अगर बात करें ना, तो पंजाब में गेहूं ज़्यादा होता है तो इसलिए वहाँ के लोग जो है रोटी ज़्यादा खाते हैं। ऐसे ही अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर बंगाल और उड़ीसा में चावल ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोग जो हैं चावल ज़्यादा खाते हैं। ऐसे ही केरला में लोग ना जो कोकोनट से बनी हुई चीज़ें होती हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर, अब इसको फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। तो ये भी एक्सरसाइज है, बहुत मज़ेदार है, इसको भी हम लास्ट में करेंगे। आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट, कितनी चीज़ें आपने लिखी। सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, डिफरेंट दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एट्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस, पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक, लोगों की अलग अलग अपनी अपनी पसंद होती है और नापसंद होती है। तो इसमें देखेंगे लाइक्स और डिसलाइक्स की बात, यहाँ पर आपको लिखना है राइट द नेम्स ऑफ थ्री फूड्स आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड थ्री दैट यू डिसलाइक, आपको थ्री आइटम्स वो लिखनी है जो आपको खाने में पसंद है और थ्री ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है जो आपको पसंद नहीं है, डिसलाइक में जो आपको पसंद नहीं है और लाइक में आपको क्या लिखना है जो आपको पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आर योर लाइक्स और डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, क्या आपकी लाइक्स और डिसलाइक आपके सारे फैमिली मेम्बर्स की तरह ही सेम हैं। जैसे अगर आप लाइक और डिसलाइक अपने फैमिली मेम्बर से भी करवाइएगा कि उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा ईजिली कि आपको क्या पसंद है उनको क्या पसंद नहीं है। तो आप इसमें ना गेम भी कर सकते हैं, पता है कि आप फिर ऐसे कर देना कि ये चीज़ मुझे पसंद है ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है अपने फ्रेंड से भी ऐसी ही लिस्ट बना सकते हैं और गेम खेल सकते हैं, टिक और क्रॉस वाला, बहुत मज़ेदार गेम हो सकता है ये। नेक्स्ट है इसमें, कुछ टॉकिंग बताई गई है
ली चैन की। अब ली चैन क्या कह रही हैं, आई लिव इन हांगकॉन्ग, मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक, और वो लोग सांप उनको खाना बहुत पसंद है, उनकी उसको और उसकी मम्मा को। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नेक, जब भी उनको इच्छा होती है ना सांप खाने की, वी गो टू नियर बाई होटल एंड ईट लिंग हु फैन, और जब भी उनको सांप खाने की इच्छा होती है तो जो पास में उनके होटल है तो वहाँ पर वो लिंग हु फैन खाने चले जाते हैं। अब लिंग हु फैन क्या होता है, लिंग हु फैन होती है स्नेक से बनी हुई डिश, ये जो है सांप से बनाई जाती है, ठीक है। लिंग हु फैन किससे बनाया जाता है, सांप से बनाई जाती है डिश, स्नेक से। ये लीचन कह रही हैं। नेक्स्ट गर्ल बता रही हैं, ये हैं कश्मीर से, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जूनी। ये कहती हैं आई लिव इन कश्मीर, मैं किस कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, मेरे को जो मुझे पसंद है किसमें, फ़िश जो बनाई जाती हैं सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल कहते हैं सरसों के तेल को, वो लोग फ़िश खाते हैं उसमें। और वंस वी हैड गॉन टू गोवा, और एक बार हम लोग गोवा गए थे, वी एट फिश देयर, हमने वहाँ फ़िश खाई थी, बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, लेकिन उसका टेस्ट जो था बहुत ही अलग था। My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil, और मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि ये समुद्री मछली है और इसको कोकोनट ऑयल में बनाया गया है। It had to be different, तो इसलिए ये different तो होनी है। तो देखो जो लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं ना, तो वो तेल का भी ऑयल का भी अलग अलग तरह का यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल कहीं पर यूज़ किया जाता है, कहीं पर फॉर्च्यून ऑयल यूज़ किया जाता है, और कहीं पर जो है कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है। तो ये अपने अपने एरिया वाइज होता है कि जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा होती है तो वहाँ के लोग उसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये बॉय है, ये हैं थॉमस, ये रहते हैं केरला में। ये कह रहे हैं आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मुझे रियली बहुत अच्छी लगती हैं दो चीज़ें खानी, कौन कौन सी, बोथ ग्रो इन अवर कोर्ट यार्ड, जो दोनों ही हमारे आंगन में होती हैं। कौन सी होती हैं, वंस ग्रो इन टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड वाटर, एक तो लंबे पेड़ पर होती है और दूसरी होती है ज़मीन के नीचे। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टोपिकोवा विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। तो ये बता रहे हैं कि मैं जो है उबला हुआ टोपिकोवा खाता हूँ। टोपिकोवा पता है क्या होता है, साबूदाना। आपकी लैंग्वेज में टोपिकोवा को क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो उसमें कहा कि इसको हम कड़ी में, अगर कोकोनट का यूज़ करके हम कोकोनट में कड़ी डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्या बताया गया, व्हाट आर द रीज़न दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, यहाँ पे कौन कौन से रीज़न हैं जो ये डिसाइड करते हैं हम क्या खाएंगे। पुट ए टिक ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट, व्हाट इज ईजली अवेलेबल, आपके यहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है। ये तो बिल्कुल सही बात है, तो ज़्यादातर लोग उसी को खाते हैं तो इस पर हम टिक कर देंगे। What we can buy, हम क्या खरीद सकते हैं, ये भी ठीक है। And custom and tradition, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हमारे custom में होती है, हम कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं वो भी हम ले लेते हैं, और जो हमारे custom में और tradition में होती है ना, जो हमारी family में बनता आ रहा है तो उसको भी हम खा ही लेते हैं। Next question है इसमें, name of some things are given below, put a tick on the things that we can be eaten, if you are not sure about anything you may ask your teacher। तो आपको ये बताना है कि आप क्या क्या खाते हो। चलिए स्टूडेंट अब इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिड द ऑल चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, क्या आपकी क्लास में सभी बच्चों ने सेम फूड आइटम खाया था यस्टरडे, क्यों। तो नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर पेज नंबर जो है 38 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक बच्चे ने बोला था कि उनके घर में कोई खाना नहीं बना, तो उसके काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं। द चाइल्ड फैमिली इज़ टू पुअर टू अफोर्ड टू स्क्वायर मील इन द डे एंड चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक एंड हैंस कुड नॉट कुक मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सेम डे यू वर वेरी हंग्री बट देर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ यस वाई। वैसे ये क्वेश्चन तो आपको खुद से बताना चाहिए कि अगर एक दिन आपके यहाँ
इसमें एक बच्चे ने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ था कि उनके यहाँ वाटर की सप्लाई जो थी डिस्टर्ब हो गई थी. यस वन डे द वाटर सप्लाई वॉज डिस्टर्ब एंड सो माई मदर वॉज अनेबल टू कुक एनी थिंग. आफ्टर दैट वी ऑर्डर्ड ए रेस्टोरेंट फॉर फूड. द फूड वॉज डिलीवर टू अवर होम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री. तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम भूखे हो. वेन वी आर हंग्री वी गेट ए फीलिंग दैट द स्टमक इज एम्प्टी. एम्प्टी मैंने होता है खाली होना. हाउ डू यू फील वैन यू आर हंग्री. आप कैसा फील करते हो जब आप भूखे होते हो. वी गेट स्ट्रेंथ सेंसेशन इन स्टमक विच गिव्स द सिग्नल दैट वी आर हंग्री. सिग्नल दैट वी आर हंग्री. वैन वी आर हंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग. वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली. दादी क्यों जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने में एबल नहीं थी. तो दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली. दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए. हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल. दादी लाइक टू हैव सम शुगर इन हर दाल. शी बिलोंग्स टू नागपुर एंड पीपल इन नागपुर पुट सम शुगर इन दाल. नागपुर पता है कहाँ है. नागपुर है महाराष्ट्र में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पर माओ लिखा हुआ है. हाउ मैनी यहाँ पर एच ओ डब्ल्यू कर लेंगे आप. ठीक है, हाउ मैनी मेम्बर्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजली एंड वाई. इन द स्टोरी विपुल हिज मदर एंड मामी कैन ईट भुट्टा ईजली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ. तो उसकी मामी और जो मदर हैं वो खा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा. वाई. ओल्ड पीपल यूजली हैव वीक टीथ एंड हैंस मोस्ट ऑफ देन कैन नॉट ईट अ भुट्टा. उनके दांत ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं इसलिए वो भुट्टा नहीं खा सकते. फॉर फोर मंथ्स छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क दैट इज हर ओनली फूड. वाई. जो फोर मंथ के बेबी है छुटकी तो वो सिर्फ उसकी मम्मी का दूध ही पीती है क्योंकि वही उसका भोजन है. ऐसा क्यों. फोर मंथ्स ओल्ड बेबीज डू नॉट हैव टीथ क्योंकि उनके दांत नहीं होते. सो दे फीड ऑन मिल्क ओनली एंड मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर देम. और मम्मी का दूध सबसे अच्छा होता है उनके लिए. तो ये मैंने आपको टेबल बनाने के लिए कहा था तो टेबल देख लेते हैं इसमें. तो चाइल्ड क्या खा सकते हैं. मिल्क खा सकते हैं, पॉडीज खा सकते हैं, वाटरी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं. और कैन नॉट ईट जो छोटे बच्चे होते हैं वो भुट्टा नट्स हार्ड फ्रूट्स और चपाती नहीं खा सकते. यंग एवरीथिंग खा सकते हैं. देर इज नो एडिबल आइटम दे कैन नॉट ईट. ऐसी कोई खाने की चीज़ नहीं है जो वो नहीं खा सकते. ओल्ड पीपल क्या खा सकते हैं. चपाती सोकिन दाल और मिल्क राइस मास्ट पोटेटो और खिचड़ी खा सकते हैं. हार्ड फ्रूट्स नट्स और भुट्टा वो नहीं खा सकते. यहाँ पर सर्कल बताना है. ये तो आपको खुद से बताना है, मैंने आपको पहले ही कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स आर ईटन मोर. राइस व्हीट मेज एंड मिलट्स. तो राइस जो होता है वो मोस्टली कहाँ पर खाया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ. बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में, तमिलनाडु में, केरला में और आंध्र प्रदेश में. इसके अलावा हाँ वेस्ट बंगाल है ही इसमें. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जो आंसर है इसमें है वीट कहाँ ज़्यादा खाया जाता है. गेहूँ वो होता है पंजाब में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में. उत्तर प्रदेश में भी खाया जाता है. ठीक है, और मेज़ जो होता है वो खाया जाता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और राजस्थान में. और मिलट्स कहाँ खाए जाते हैं. मिलट्स खाए जाते हैं राजस्थान में. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइफ Not only eat different things but also use the same things to prepare a variety of food items. Find out and while write what all can be prepared from rice and wheat. तो things prepared जो बनाई जाती हैं wheat से चपाती, हलवा, केक, स्लाइस ब्रेड, पूड़ी, पोहा etc. और things जो prepare की जाती हैं rice से वो क्या होते हैं. पुलाव, डोसा, इडली, उपटन, खीर etc. यहाँ पर ये आपको खुद से बताना है कि आप कौन सी चीज़ को लाइक करते हैं और कौन सी चीज़ को डिसलाइक करते हैं. ये अपनी पसंद पर लिखा है तो आपको अपनी पसंद का लिखना है. क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है. और फ्रेंड्स के लिए और फैमिली के लिए भी मेम्बर से आपने उनसे पूछ कर ही लिस्ट बनानी है. ठीक है, इसमें आपको उन चीज़ों पर टिक करना है जो आप इज़िली खा सकते हैं. तो इसमें आपको मैंने यहाँ पर टिक लगा दी है. आप यहाँ से देखकर इसको
कॉपी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।